हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो चलिए, आज फिर से मैं शिवानी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की पिछली वीडियो में हमने सपने में यदि कान्हा जी या अन्य कोई भगवान जी के दर्शन मिल जाएं तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या संकेत भगवान हमें देना चाहते हैं, ये सब जाना था। अगर किसी वजह से आपकी ये वीडियो मिस हो गई है, आप इसे नहीं देख पाए हैं, तो आप वीडियो के जस्ट नीचे एक ब्लू लिंक दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है हैशटैग हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी। इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हुई पिछली वीडियो की बात, अब बात आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अचानक से धन प्राप्ति होना या पैसे मिलना। कभी ना कभी तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि अचानक से आप कहीं जा रहे हैं और सामने से आपको पैसे पड़े मिल गए हो रोड पर, या कोई चांदी की चीज़ मिल गई हो, जैसे कोई आभूषण, कोई पायल, पाजेब या पाजेब का घुंघरू ही मिल गया हो। तो ऐसे में मन में एक प्रश्न आता है कि इस पैसे के सिक्के को या नोट को या जो भी हमें मिला है उसे उठाएं या ना उठाएं, और अगर उठा लें तो इसका करें क्या। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कान्हा जी का परिवार बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। देखिए, रोड पर जाते हुए जो धन मिलता है वो तीन तरह से मिलता है, एक सिक्के के रूप में, या नोट के रूप में, या चांदी या सोने की वस्तु के रूप में। वस्तु से यहाँ पर तात्पर्य आभूषण या गहनों से है, कई बार गलती से गिर जाते हैं कैसे भी। अब सवाल यह है कि हम इसे उठाएं या ना उठाएं। तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, आप इसे उठा सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मिले हुए पाए हुए पैसों का यूज़ कभी भी अपने दैनिक खर्चों के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको 100 का नोट मिल गया, आपको कुछ सामान लाना है तो आप उसी से ले आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इन पैसों को उठा तो लेते हैं लेकिन किसी मंदिर में या किसी को दान में दे देते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं ये पैसे या वस्तु किस अवस्था में या किस मंशा से गिरी है या गिराई गई है, तो इन्हें हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भी सही नहीं है, इन पैसों को ना तो किसी और को देना चाहिए और ना ही दान में देना चाहिए। तो फिर इनका करें क्या? देखिए, रोड पर पड़े सिक्के, पैसे, नोट, चांदी या सोने का मिलना धन संबंधी परेशानियों के हटने का संकेत है। इसका अर्थ है कि आप पर से अगर कोई कर्ज है तो वो उतरने वाला है, कारोबार में तरक्की आने वाली है, आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको काम मिलने वाला है, माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। लेकिन हाँ, सिक्के और नोट में थोड़ा फर्क है। अगर नोट मिले सिक्के के स्थान पर तो इसका अर्थ है कि कामयाबी तो मिलेगी, सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम के बाद। सफलता के लिए प्रयास करना होगा। आप सोच रहे हैं कि आप अपना संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा, आप काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको नोट मिलता है तो उसका अर्थ है कि अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। कामयाबी तो मिलेगी लेकिन बहुत अधिक प्रयास के बाद। अब कुछ लोग इस बात को गलत ले लेते हैं, वो ये मान लेते हैं कि नोट का मिलना शुभ नहीं है, इसमें सफलता तो मिलेगी, कामयाबी के तो मिलेगी लेकिन प्रयास के बाद मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नहीं, नोट का मिलना सिक्के के मिलने से अधिक शुभ है, क्योंकि भले ही नोट का मिलना से ये संकेत मिलता है कि आपको मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन ये सफलता स्थायी होगी और बहुत बड़ी होगी। जैसे नोट सिक्के से बड़ा होता है, ऐसे ही सफलता भी बड़ी होगी। अब इस पाए हुए धन का करें क्या, ये भी जान लेते हैं। जो भी चीज़ आपको मिली है, सिक्का, नोट, चांदी या जो भी वस्तु आपको मिली है, आपको ने उठाई है, इसे गंगा जल से छींटा लगाकर या अच्छे से धोकर पवित्र कर लें और पूजा के समय धूप दीप जलाकर इसे शुद्ध कर लें। इन्हें अपने धन स्थान में, पर्स में, अलमारी में, तिजोरी में, कहीं भी आप जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर इसे रख सकते हैं। लेकिन इसे इस तरह से रखें कि जिससे ये आपके खर्चे में यूज़ ना हो जाए। मान लीजिए आपने पर्स में रखा है और आपके पैसों के साथ ये मैच हो गया,
और आपको पता ही नहीं चला कि ये सिक्का कौन सा था या नोट कौन सा था, आपने इसे खर्च कर लिया, तो इस तरह से ना हो। चाहे तो आप इसे लाल या गुलाबी कपड़े में बांध कर रख लें, कागज़ में लपेट कर रख लें। कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं। ये पैसे एक तरह से भगवान का दिया हुआ संकेत है कि अब आपकी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और प्रेम से कहते रहिए हरे कृष्णा राधे राधे।